नटूरे फुटूरे और मुझे चाहिए छोले भटूरे। वाह वाह वाह, तालियां ही तालियां तालियां। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हम स्कूल में इंग्लिश ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो जब हम बड़े हो जाते हैं और जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योरसेल्फ। अरे मैडम, वो मैडम को सर करके संबोधित कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू तो यही खत्म जब मैडम को सर कह दिया। राकेश महंती एंड आई एम टेक्नोलॉजी मैन। बट इफ यू विल आस्क मी व्हाट इज माय पैशन, आई विल से हार्डवेयर। एक सेकंड, व्हाट इज योर व्हाट इज माय पैशन। अच्छा, पैशन, ओ समझा। बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग ऑन स्पाइकी। Skype, you mean? Pardon, sir? Okay, not, go on. इंटरव्यू वाली भी समझ गई। तुमसे ना हो पाएगा। पर गलती इनकी नहीं है यार, गलती इनकी स्कूल टीचर की है जिन्होंने इन्हें ऐसी इंग्लिश सिखाई। अब जब एप्पल की स्पेलिंग APIL एप्पल सिखाई जाएगी तो ऐसे भोले से लोग तो स्काइप को स्पाइकी ही बोलेंगे। सर, आई एम फ्रॉम झारसुगुड़ा। आई स्टडी 10th सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ग्रेजुएट कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट रांची, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड, नोट इट। नोट कर लो, कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट रांची, नॉट फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा हुआ बता दिया भैया ने, वरना मैं तो सोच रहा था भैया फॉरेन रिटर्न है NRI। Sir, I am working with BSNL telephone company. Whenever the line goes off, I write the telephone khamba and make the line good. यही तो, अब मैं समझा BSNL का नेटवर्क इतना खराब क्यों है, क्योंकि जब भी उसकी लाइन खराब होती है ये बंदा टेलीफोन खोम्बा की सवारी करने बैठ जाता है। He writes the telephone khamba and makes the line good. During my spare time, I collect pan masala wrappers. I have a huge collection, almost 2000. हाँ, पान मसाला के शौकीन है, जब ही तो भाई साहब की जुबान। सुबह केसरी, विमल, बोलो सुबह केसरी। नहीं मतलब आप शौक देख रहे हो, पान मसाला के रैपर्स इकट्ठे करने का शौक। सर, I do not have any problem to shifting abroad country. But I will not change my religion. Otherwise, I am very open-minded and I am always happy, even when I am sad. एक सेकंड, ये कैसे होता है भाई? And I am always happy, even when I am sad. Now that is some real talent. अब ये कोई असली talent है भाई. Even when I am sad, I am happy. I am always happy because I am never sad. I am happy when I am sad. What? English is a very funny language. अरे इंग्लिश बोलना आसान थोड़ गया यार, तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश बोलना आसान है? English speaking like a rice palette. अरे यार इंग्लिश बोलना आसान थोड़ी है, ऐसे जॉब इंटरव्यू के लिए लोग इंग्लिश सीखने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और वहाँ पे फिर कुछ ऐसा सिखाया जाता है। Right.
राइट 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 ओ ऐसे सीखते हैं इंग्लिश तुम्हें क्या लगता है इंग्लिश स्पीकिंग राइस प्लेट ईटिंग नो नेवर नॉट इसलिए कहते हैं कि हमें इंग्लिश ध्यान से पढ़नी चाहिए क्योंकि अगर हम इंग्लिश ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपने एक एग्जांपल देख ही लिया है कि आपके साथ क्या होगा तो आप अगर जॉब इंटरव्यू देने जाएं तो इंग्लिश ध्यान से पढ़ के जाएं क्योंकि एक भी वर्ड इधर से उधर होता है तो पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है और आप भी अपने फुटूरे को बचाना चाहते हैं तो इंग्लिश ध्यान से पढ़ें। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कैसी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।